गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे डाउनलोड क्लासेस फॉर जूनियर स्टूडेंट स्पेशली सेवेंथ एंड एट्थ आई विल टीच देम इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर आई एम टीचिंग यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ आई हैव टॉच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अप टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस। जिसकी पैसिव नहीं बनती है इसलिए हम थर्ड वाला पढ़ाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी में होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या सब। इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस एक्टिव रूप, इसका सब्जेक्ट प्लस एच बी विल या प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज है कि फॉर एग्जाम्पल दे विल है कॉल्ड मी टुडे, वे मुझे आप पुकार चुके हैं। तो इसका पैसे वर्ब का रूल होगा ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न फर्स्ट, आफ्टर दैट एच बी विल और सैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर वर्ब। नाउ वी विल मेक पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। दे विल हैव कॉल्ड मी। इन पैसिव रूल योर ऑब्जेक्ट इज गिवन फर्स्ट, योर ऑब्जेक्ट इज मी, मी चेंज इन टू आई, अकॉर्डिंग टू आई वी यूज सब्जेक्ट विल और सेल, सेल का यूज करेंगे। तो आई सेल फिर क्या लिखा, हैव बीन लिखा है, वैसे यू मैन नोट डाउन हैव बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म पर कॉल्ड, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड है होगी कॉल्ड, इसके बाद बाय लिखा होगा, देखिए लिखा बाय लिखिए, फिर सब्जेक्ट चेंजिंग टू दे मेन टू देन एंड टुडे टुडे। इसका नेगेटिव मैं रूल लिख रहा हूँ था, इसमें क्या होता नेगेटिव एक्टिव रूल, इसमें सब्जेक्ट प्लस एच बी वही बिल किया सेल प्लस नॉट है बी थ्री ऑब्जेक्ट अदर वर्ब पैसे रूल ऑब्जेक्ट प्लस बिल या सर नो प्लस हैप्पी बी थ्री बाई सब्जेक्ट अदर वर्ब। नाउ वी विल मेक पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस। हियर योर सब्जेक्ट इज गिवन, तो सब्जेक्ट विल बी दे, दे के साथ आप जानते हो बिल लगाएंगे, फिर नोट लिखा नोट भी लिख दो, फिर हैव लिख दीजिए थर्ड फॉर्म कार्ड हो जाएगी ऑब्जेक्ट मी और टुडे अदर वर्ब। ऐसे पैसिव में देखिए ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट मी का आई हो जाता है, आई नीचे कर देना है, आई साथ सेल लगेगा, आई सेल नॉट है बी थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड बाई दे का देन टू डे। इन इंट्रोगेटिव डियर स्टूडेंट यू विल राइट द स्ट्रक्चर फर्स्ट रूल। रूल में क्या करोगे आप, जब सब्जेक्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ड आ जाएगी बिल सेल प्लस सब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा पैसे इंट्रोगेटिव में, इसका होगा बिल पहले आ जाएगा और दे बाद में, और वैसे ही रहता है आप जानते हो कॉल्ड मी टुडे। ओके इन पैसिव में देखना सिंपल का, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ हेल्पिंग बुलाना बिल सेल, तो ऑब्जेक्ट अनुसार सेल पहले आ जाएगा, सेल फिर आई फिर हैप्पी रहेगा वैसे ही हैप्पी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई
than today. Dear students, you have to write as a homework some more sentences. As a teacher has taught us English today, they have beaten him on the road. These are some of the examples. You have to write in your copy and note down correctly in both active and passive voice. That's all.